हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। दोस्तों, YouTube की तरफ से जब भी कोई अपडेट आता है मैं तुरंत आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं, और यहां पर एक अपडेट आना काफी जरूरी था क्रिएटर लोग के लिए, और वो आखिरकार अपडेट आ चुका है। और वो अपडेट है कम्युनिटी टैब यानी कि कम्युनिटी पोस्ट को लेकर, और इसको अपडेट को सुनकर आप लोगों को काफी खुशी मिलने वाली है। तो वीडियो काफी नॉलेजेबल हो जाएगी, तो वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बता देता हूं, जब भी अपनी वीडियोज को यूट्यूब पर पोस्ट किया करते थे और उसके बाद में आप अपनी वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस थे वो लोगों को नहीं जाया करते थे, तो उस वजह से अपन थोड़ी देर बाद में ही कम्युनिटी टैब की पोस्ट भी, मतलब उस वीडियो को लिंक का जो लिंक होती थी उसे कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर दिया करते थे, जिससे लोग आपकी वीडियोस को देख लिया करते थे और आपकी वीडियोस पर व्यूज आ जाया करते थे। फ्रेंड्स, वहां पर आप जब अपनी लिंक को जब शेयर करते थे कम्युनिटी टैब में, तो वो आपका जो थंबनेल था पहले वो कट जाया करता था, जिससे लोगों को पता भी चल जाया करता था कि यहां पर आप लोगों ने कम्युनिटी टैब में पोस्ट की है और उससे लोग मतलब उस वीडियो को देख रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उसके बाद में अपडेट निकाला गया कम्युनिटी टैब में दूसरा, तो उसके बाद में क्या हुआ करता था, आप अपनी वीडियोस की लिंक है उसे कॉपी किया करते थे और वहां पर आपको जो कम्युनिटी टैब में पोस्ट के लिए एक थंबनेल बनाना पड़ता था 1:1 रेशो का, और उसे मतलब उस लिंक के साथ में पेस्ट करना होता था। तो फ्रेंड्स, उससे भी लोगों को पता चल जाता था कि यहां पर आप लोगों ने कम्युनिटी टैब में पोस्ट डाली और उससे आपको वो वीडियो देखनी है जाकर, ठीक है। तो उसके बाद में बात करूं तो फ्रेंड्स, यहां पर जो नया अपडेट आया वो काफी जबरदस्त है। वो अपडेट ऐसा है कि यहां पर आप लोगों को बस अपनी उस वीडियो की लिंक है उसे कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद में आप लोगों को क्या है कम्युनिटी टैब में जाना है और उसे पोस्ट कर देना है। और जैसे ही आप उसे पोस्ट करोगे तो आपके जो व्यूअर्स हैं यानी कि जो आप लोगों की वीडियोस को देखते हैं, उनको एक तरह से फील ही नहीं होगा जल्दी से कि यहाँ पर आप लोगों ने कम्युनिटी टैब में पोस्ट डाली है। वो ऐसा फील देती है, उसका इंटरफेस कुछ ऐसा अपडेट किया गया है कि यहाँ पर आप लोगों को जो व्यूअर्स हैं उनको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कोई वीडियो ही आप लोगों ने शेयर किया यानी कि पोस्ट किया है। उसके नीचे उसके आइकन भी देखने को मिलेंगे जो कि लाइक डिसलाइक है, और लोग मतलब आपकी वीडियोस को अब ज्यादा देखने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो सोचेंगे कि एक तरह से मतलब ये वीडियो ही मतलब पोस्ट हुई है, और वो इतना गौर से देखेंगे तब जाके वो पता चलेगा वो कम्युनिटी टैब मतलब कम्युनिटी पोस्ट है। तो ये अपडेट काफी अच्छा लगा क्रिएटर लोगों के लिए। तो यहां पर मैं बात करूं, अगला अपडेट है जो कि कम्युनिटी पोस्ट को लेकर ही है, और इसके पहले मैं वीडियो बना चुका हूं जो कि अपडेट के ऊपर मैं बनाता रहता हूं, तो उसमें मैंने बताया था कि शेड्यूल को लेकर कम्युनिटी टैब में मतलब अपडेट आने वाला है, और वो आखिरकार आ चुका है, उसको लेकर भी मैं बता देता हूं। तो फ्रेंड्स, जब भी अपन कहीं बाहर चले जाया करते थे तो अपन क्या करते थे, अपनी वीडियोस को शेड्यूल करके जाया करते थे, यानी कि आपको आज वीडियो देनी है, कल देनी है, परसों देनी है, ऐसे मतलब शेड्यूल करके चले जाया करते थे और बाहर कहीं चले जाया करते थे घूमने, तो आपकी वीडियो मतलब शेड्यूल होकर भी पब्लिश हो जाया करती थी बाद में। उसी तरह से अब आप अपने जो कम्युनिटी टैब है उसमें भी पोस्ट को शेड्यूल कर पाओगे, तो उससे क्या होगा कि मान लीजिएगा आपकी वीडियोस का नोटिफिकेशन का इश्यू है, मैं आप लोगों को बता ही रहा था, तो जैसे ही आप अपनी वीडियो आप लोगों की जब पब्लिश होगी उसके कुछ देर बाद में ही आप उनको शेड्यूल करके चले जाओगे कम्युनिटी टैब को, पोस्ट को भी, तो वो आपकी शेड्यूल होकर और वो आपकी अपने आप से पब्लिश हो जाएगी, और जिससे आप लोगों की जो वीडियोस है उन पे व्यूज आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जो कि काफी अच्छा अपडेट लगा। यानी कि आप अपनी वीडियोस के जो पोस्ट हैं उनको कम्युनिटी टैब में जाकर शेड्यूल कर पाओगे, जो कि काफी अच्छा अपडेट लगा मतलब सब लोगों के लिए। और यहां पर ये अपडेट है, इसको करने के लिए आप अपने मोबाइल में डेस्कटॉप मोड में मतलब क्रोम में जाकर कर सकते हो, या फिर आपको अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में जाकर उसे शेड्यूल करना होगा कम्युनिटी टैब को पोस्ट के लिए। यहां पर आपको मतलब एप्लीकेशन में ये देखने को नहीं मिलने वाला है शेड्यूल वाला ऑप्शन। तो काफी अच्छा अपडेट लगा, आप लोगों को कैसा लगा, उम्मीद है ये अपडेट आप लोगों को मिल गया होगा, अगर नहीं मिला तो कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड लोगों को शेयर जरूर कर देना फेसबुक व्हाट्सएप पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक।